दोस्तों, ये वीडियो सब्सक्राइबर की डिमांड पर है, जिन्होंने मुझसे पूछा है कि कैसे हम YouTube के वीडियो व्यूज को बढ़ा सकते हैं। हालांकि मैं इतना बड़ा यूट्यूबर तो नहीं कि आपको इसका जवाब दे सकूं, पर फिर भी आपको कुछ ऐसे टिप्स देना चाहूंगा जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे रैंकिंग्स में आने के लिए और अपनी YouTube वीडियो व्यूज को बढ़ाने के लिए। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पर क्लिक करके हमें चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप हमारे नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप अपने यूट्यूब वीडियो व्यूज को बढ़ा सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में को 5 इंपॉर्टेंट टिप्स जो है बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो यूट्यूब वीडियो व्यूज को बढ़ा सकते हैं, कैसे आप सब्सक्राइबर्स को बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए। ये वीडियो पूरा एंड तक देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, जो जो यूट्यूबर्स बनना चाहते हैं या फिर जिनको यूट्यूबर हैं उनको व्यूज नहीं मिल रहे हैं। तो ये जो है कुछ टिप्स जो बताने वाला हूँ, इनको ध्यान से देखते रहिए वही पूरा एंड तक। टिप नंबर 1 है बी कंसिस्टेंट। आपका टॉपिक कोई भी हो या फिर टेक रिलेटेड हो या फिर फूड रिलेटेड हो या जो भी हो, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली एक वीडियो डाल रहे हैं तो आप डेली एक वीडियो डालिए, गैप मत रखिए। अगर आप 2 दिन में एक वीडियो डालते हैं तो 2 दिन में एक वीडियो डालिए। अगर आप हफ्ते में एक वीडियो डालते हैं तो हफ्ते में एक वीडियो डालिए। ऐसे आप कंसिस्टेंसी जो है बना कर रखिए, इससे आपको आपके सब्सक्राइबर को हेल्प मिलेगी, आपको आपके सब्सक्राइबर को पता लगेगा कि आप इस टाइम पे जो है वीडियो डालते हैं और वो आपका वीडियो देखने के लिए तैयार है। तो आपको कंसिस्टेंसी जो है मेंटेन करनी पड़ेगी यूट्यूब के ऊपर। बस जो आप डेली वीडियो डालते हैं वो डालिए, अगर आप हफ्ते में एक बार वीडियो डालते हैं हफ्ते में एक बार डालिए। कंसिस्टेंसी जो है मेंटेन करिए, डिले मत करिए और कोई सुस्ती मत दिखाइए यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब के बहाने नहीं चलते कि आज बीमार हूँ या फिर आज मुझे ऐसा काम है, आज मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। तो बहाने वहाने सब छोड़ दीजिए, आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा यूट्यूब में सक्सेस होना है। तो जैसे कि मुझे लग गए तकरीबन 6 महीने 3,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचने के लिए। कुछ लोग बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं 1 महीने 2 महीने, कुछ लोग 1 महीने में 60-70 हज़ार तक पहुँच जाते हैं, कुछ महीने 1 महीने एक ही महीने में 1-2 लाख सब्सक्राइबर्स जो क्रॉस कर लेते हैं, पर सबके साथ ऐसा केस नहीं होता। YouTube पे सुस्त लोगों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, डेली एक वीडियो अपलोड करिए। जो लोग डेली अपलोड करना चाहते हैं और जो लोग हफ्ते में एक बार करना चाहते हैं, जिनके पास टाइम नहीं मिलता, हफ्ते में एक वीडियो तो अपलोड करिए। इससे ज़्यादा जो है डिले मत करिए, नहीं तो आपकी YouTube पे कोई जगह नहीं है। तो टिप नंबर 2, गुड क्वालिटी वीडियोज। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर अगर आप मेंटेन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके चैनल के लिए। आपके चैनल पर ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आएंगे, उनको पता लगेगा आपके वीडियो चाहे अच्छी क्वालिटी के हैं, हाई क्वालिटी वीडियोस बनाइए। लेकिन इतना जरूरी नहीं कि हाई क्वालिटी वीडियोस बनाना, आप देखेंगे यूट्यूब पे बहुत सारे लो क्वालिटी वीडियोस ठीक से दिखता भी नहीं है, उनको भी 1 मिलियन व्यूज मिल जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। और फिर भी जो अगर आप हाई क्वालिटी वीडियोस बनाएंगे तो आपके चैनल के लिए अच्छा है, आपका चैनल के ब्रांडिंग के लिए अच्छा हो जाएगा। तो टिप नंबर 2 ये था कि मेंटेन क्वालिटी वीडियोस, अच्छा क्वालिटी का वीडियोस बनाइए और अच्छा क्वालिटी कंटेंट, जो कंटेंट है आपका उसको क्वालिटी कंटेंट बनाइए। यानी कि कुछ भी आपने बना के डाल दिया ये मत बनाइए, ऐसा मत करिए। अच्छा क्वालिटी कंटेंट सर्च करिए, रिसर्च करिए उसके ऊपर, फिर जो है उसके ऊपर जो है आप वीडियो बनाइए। तो टिप नंबर 3 है कि आप नीच कीवर्ड्स के ऊपर वीडियो बनाइए। नीच कीवर्ड्स का मतलब है लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स, जिनको ज़्यादा लोग सर्च नहीं करते हैं, 10,000, 9,000, 8,000 या फिर 7,000 या फिर उससे नीचे जो है अगर आप वीडियो बनाएंगे, 5,000 कॉम्पिटिशन के नीचे वीडियोज बनाएंगे तो आपकी वीडियो की जो रैंकिंग है वो जल्दी ऊपर आएगी और पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपके, आपको ज़्यादा लोग जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं देखते उसको, 5,000-10,000 लोग ही देखते हैं। तो पॉसिबिलिटी होती है कि आपको जल्दी जल्दी जो है सब्सक्राइबर मिलना चालू हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो है सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए। तो अभी लो कंपनीज कीवर्ड्स कहाँ से ढूंढेंगे आप नॉर्मली आप यूट्यूब में कोई भी कीवर्ड टाइप करिए और आपको वहाँ पे बाजू में सर्च रिजल्ट दिखाता है कि कितने लोग इसे सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जियो डालेंगे तो तकरीबन 12-15 लोग सर्च करेंगे उसको, और फॉर एग्जाम्पल आप किनेमास्टर जिस पर मैं वीडियोज बनाता हूँ वो डालेंगे तो आप देखेंगे कि 70-80 हज़ार उतने ही लोग सर्च करते हैं उसको। तो ये आती है जो नीच कीवर्ड्स में आ जाते हैं, तो इधर जो है आपको रैंकिंग करना इजीली जो है बहुत इजी हो जाता है। आप मेरे चैनल पे विजिट करेंगे आप देखेंगे कि मेरे जो किनेमास्टर के जो वीडियोस हैं वो जल्दी रैंक हो जाते हैं, जल्दी व्यूज मिलने लग जाते हैं। अगर मैं कोई जियो का वीडियो डालूंगा तो वो रैंकिंग में जल्दी नहीं आएगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैं कंटिन्यूसली किनेमास्टर को वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे सब्सक्राइबर बेसिस जो है किनेमास्टर का है। पर इन फ्यूचर में जाके जो होता है आपके सब्सक्राइब 20,000 या 25,000 या 30,000 हो जाते हैं, फिर आप कोई भी वीडियो डाले वो चलने लग जाता है एकदम, मतलब बढ़िया से 3-4 हज़ार व्यूज तो मिल ही जाते हैं। और एक बार 3-4 हज़ार व्यूज मिल जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है यूट्यूब जो है उसको सजेशन में डालना चालू कर देता है, उसकी हेल्प से जो आपको सब्सक्राइब भी बढ़ते हैं आपके वीडियो के व्यूज भी बढ़ते हैं। तो थर्ड जो टिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्च नीच कंटेंट कीवर्ड्स, ठीक है, जिनको ज़्यादा लोग सर्च नहीं करते हैं उस पर वीडियो बनाइए, ठीक है। अगर 10,000 के नीचे रहेंगे तो बहुत ही अच्छा है, 10,000 5,000 के नीचे अगर रहेंगे
तो बहुत बढ़िया हो जाएगा आपके लिए, आप जल्दी जो है रैंकिंग में लग जाएंगे। एक बार आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ने लग जाएंगे, ऑटोमेटिक आपके व्यूज भी बढ़ेंगे और जो है इनकम भी बढ़ेगी। तो चौथा जो टिप है आपके लिए वो है गुड टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यूट्यूब वीडियोज के लिए। अच्छा टाइटल दीजिए, डिस्क्रिप्शन दीजिए वीडियो का, टैग्स डालिए वीडियो में। बहुत लोग नहीं करते हैं, गलत करते हैं, आप जरूर इसको जो है फॉलो करिए। अच्छा टाइटल दीजिए, डिस्क्रिप्शन दीजिए, अच्छे टैग्स दीजिए, ताकि आप जो है जल्दी से जल्दी जो है सर्च रैंकिंग्स में आ सकें। तो बात होती है अच्छा टाइटल कैसे देंगे अभी आप। तो फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए आप एक यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि हाउ टू इंक्रीज जियो स्पीड, ठीक है, तो बहुत सारे आपके जो है एक फुल पेज पे टाइटल्स आ जाएंगे, लाखों लोगों ने बनाया रहेगा। तो फर्स्ट पेज देख लीजिए, ठीक है, कि किन किन लोगों ने कैसे कैसा टाइटल दिया हुआ है, आप उनको नोट डाउन कर लीजिए। और फॉर एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ मैं, किसी ने आपने सर्च किया हाउ इंक्रीज जियो स्पीड, तो नीचे आ गया हाउ टू इंक्रीज जियो स्पीड आ गया, फिर हाउ टू इंक्रीज जियो 4G स्पीड, फिर मान लो थर्ड जो टॉपिक है वो आ गया हाउ टू इंक्रीज लाइंस सिम इंटरनेट स्पीड। तो ऐसे तीन मान लो सर्च रिजल्ट में आ गए, आप क्या आपको क्या करना है, आपको इन तीनों को कंबाइन करके एक टाइटल बनाना है। तो एक टाइटल कैसे बनेगा, तो अभी मैंने आपको तीनों टाइटल जो बताएं आप उनको सबको कंबाइन कर दीजिए। तो कंबाइन करके फॉर एग्जाम्पल एक रिजल्ट आएगा, जैसे कि हाउ टू इंक्रीज रिलायंस जियो 4G सिम इंटरनेट स्पीड। तो ये एक लाइन में जो है आपने तीन टाइटल्स के वर्ड्स को कंबाइन करके एक टाइटल बना दिया। इससे क्या होगा, कोई भी उन तीनों वर्ड्स को तो सर्च करेगा, आपका भी जो है वीडियो जो है जल्दी से रैंकिंग में आना चालू हो जाए, क्योंकि आपका जो टाइटल है उन तीनों टाइटल से मैचअप करता है। इतना आसान तो नहीं है, पर होप कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है कि आपको क्या है जल्दी से जल्दी आपका वीडियो जो है रैंकिंग में आ सकता है। तो ऐसे टाइटल सेलेक्ट करिए, उन पर रिसर्च करिए कि लोगों ने क्या टाइटल दिया है, उन टाइटल को कंबाइन करने की कोशिश करिए, कंबाइन करके आप एक टाइटल बनाइए जो उनके टाइटल्स को कवर अप कर ले। इससे जो जो भी हो एटलीस्ट जो है आपके वीडियोज सजेशंस में जाना चालू हो जाएंगे, यूट्यूब उनको सजेस्ट करने लग जाएगा, ठीक है, या फिर रिकमेंड फॉर यू करेगा। तो इससे जो है इजिली आपको व्यूज मिलने लग जाएंगे थोड़े 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 थोड़े, और जैसे थोड़े थोड़े व्यूज मिलेंगे आपको सब्सक्राइबर भी मिलने लग जाएंगे, फिर जैसे सब्सक्राइबर मिलेंगे आपके व्यूज ऑटोमेटिकली आप फ्यूचर में जाके बढ़ेंगे। तो ये तो होगा टाइटल। तो अब डिस्क्रिप्शन क्या है वीडियो का, डिस्क्रिप्शन है वीडियो के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है डिस्क्रिप्शन के ब्लॉक में कि ये वीडियो किस चीज के बारे में है, आप इस वीडियो में क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। फिर कुछ लिंक्स दे देने अपने, अगर आपका सोशल पेज है, फेसबुक पेज है अगर आपके चैनल का तो उसका लिंक दे दीजिए, अगर आपकी वेबसाइट है तो उसका लिंक दे दीजिए, या फिर आपका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है या फिर ऐसा जो भी लिंक्स है आपके, आप सब डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे दे सकते हैं, या फिर आपका कोई ब्लॉग है तो उसका भी आप जो लिंक वहाँ पे दे सकते हैं। तो इससे जो है आपका तो रेपुटेशन बढ़ जाता है कि आपका जो है आपके पास एक ब्लॉग है या फिर आपके पास एक वेबसाइट है, तो इससे जो है पॉसिबिलिटी बढ़ती है कि आपकी जो है जल्दी जो है वीडियो की रैंकिंग हो जाए, ठीक है। तो उसमें आप क्या करिए, अपने पुरानी वीडियोस के लिंक डाल दीजिए जो आप प्रमोट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन भी लोग क्लिक करके आपके दूसरे वीडियोस को जंप कर सकते हैं। तो ये थी कुछ डिस्क्रिप्शन के बारे में बात। तो अब बात थी टैग्स की, तो कोई टैग्स कैसे देने, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक टाइटल टाइप कर दिया कि हाउ टू इंक्रीज रिलायंस जियो इंटरनेट स्पीड, ठीक है, तो इसको आप कैसे टाइप करेंगे, इसको अलग अलग तरह से टाइप करना है, पर ये जो टैग्स हैं आपके टाइटल के रिलेवेंट होने चाहिए, यानी कि आप कुछ टाइटल कुछ और दे रहे हो, टैग्स कुछ और दे रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टाइप करते हो कि हाउ टू इंक्रीज रिलायंस जियो स्पीड, तो आप टैग में ऐसा लिख सकते हैं इंक्रीज रिलायंस जियो स्पीड, हाउ टू इंक्रीज रिलायंस जियो स्पीड, ठीक है, रिलायंस जियो स्पीड इंक्रीज, ऐसे अलग अलग जो है आपको टैग्स देने हैं, बट आपके वो टैग्स आपके टाइटल के रिलेवेंट होने चाहिए, आपके टाइटल को एकदम से हिट करना चाहिए वो टैग्स, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए, थोड़ा टैग्स को रिसर्च कर लीजिए कि कैसे आप टैग दे सकते हैं, तो फिर जो है आपकी वीडियोज है इजीली जो है इन टाइटल, अच्छे टाइटल एक अच्छे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन कितना बड़ा होगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो अच्छे टैग्स, ठीक है, टैग की टाइटल के रिलेवेंट होने चाहिए, कुछ मिक्सअप नहीं कि आप टाइटल कुछ और टैग कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। तो इसकी मदद से जो आपके वीडियोस है जल्दी जो है रैंकिंग में आ जाएंगे। तो लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है कीप पेशेंस, आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है यूट्यूब पे, बिना पेशेंस के आप यूट्यूब पे सक्सेस नहीं हो सकते। मैंने पेशेंस रखा है, मेरे भी अभी 6-7 महीने में सिर्फ 3,000 सब्सक्राइबर हुए हैं, मैंने पेशेंस रखा हुआ है, पर मुझे पता है कि अगले एक साल में मैं तकरीबन 30-40-50 हज़ार आराम से पहुंच जाऊंगा। तो एक बार जो है 30-40 हज़ार आप पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद तो आप बढ़ते ही चले जाते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता उसके ऊपर। तो पेशेंस रखिए, वीडियोस बनाइए, आपको कोई भी टॉपिक हो टेक रिलेटेड हो या कोई भी, आप दूसरों का चैनल देख के मत अब बनाइए, आपको जो इंटरेस्ट है वो बनाइए। जैसे मेरे को टेक में इंटरेस्ट है, मुझे सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तो मैंने सिंगिंग का चैनल खोला नहीं है, पर मुझे टेक में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैंने टेक चैनल खोला है। तो आपको जिसमें इंटरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको खाना बनाने में इंटरेस्ट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल को टेक में इंटरेस्ट है,
या फिर आप एजुकेशन अच्छा टीचिंग कर सकते हैं, उसमें इंटरेस्ट है, तो जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो वीडियो बनाइए, ताकि आपको वीडियो बनाने में मज़ा भी आए और आपको उसका फल भी मिले। लेकिन आपने बस दूसरों को देख के चैनल खोल लिया, चलो इस चीज़ भी कमा रहा है, हम भी कमा लेंगे, ऐसा करेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो जो है अपना पर्सनल टॉपिक जिसे जिसमें आपको मज़ा आता करने के लिए, उसको सेलेक्ट करिए एंड पक्का आप जो है YouTube में ज़रूर सक्सेस हो जाएंगे। मैं आपको लिख के देता हूँ ये चीज़, पेशेंस रखिए, बस आपको 8 महीने लग जाएंगे, 9 महीने लग जाएंगे, 10 महीने, 1 साल, 1 साल के बाद तो सक्सेस होना ही होना YouTube पे, ठीक है। मैंने जो टिप्स उनको फॉलो करिए जो मैंने आपको बताया, तो इन टिप्स से ज़रूर आप जो है आपको एकदम से बूस्ट मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मैंने कुछ ऐसे सर्च नहीं किया था, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ आपको, जब आप वीडियो बनाते हैं तो ज़रूर बोलिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत लोगों को सब्सक्रिप्शन के बारे में पता नहीं रहता, कुछ लोगों को लगता है कि सब्सक्राइब करने से मेरे पैसे कट जाएंगे, या फिर सब्सक्राइब करने से जो है मेरा शायद इंटरनेट में से MB चला जाए उनको, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको उनको बताना ये चीज़ कि सब्सक्रिप्शन कैसा रहता है, इससे क्या फ़ायदा होता है, ये तो ये सब चीज़ें आपको जो है अपने व्यूअर्स को बतानी ज़रूरी है। और उनसे क्लियर रहिए व्यूअर्स से, उनको कन्फ्यूज मत करिए, उनको कमेंट्स अगर आते हैं तो उन कमेंट्स को रिप्लाई करिए। मैं भी कभी कभी लेट हो जाता हूँ, लेकिन रिप्लाई मैं ज़रूर करता हूँ। कभी कभी कुछ गालियाँ आएंगी कि आपका वीडियो आया है, ये बना रहा है, वो बना रहा है, आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, उन पर आप ध्यान मत दीजिए, अपना वीडियो बनाते रहिए बस। और आई होप आप जो है YouTube पे ज़रूर फ्यूचर में जाके सक्सेस आप जो है आपको मिलेगी YouTube पे सक्सेस। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए जो यूट्यूबर्स बनना चाहते हैं, और वेट करिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का, मैं ऐसी वीडियो आपके लाता रहता हूँ। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।